सीरीज की शुरुआत में हमें कार्मेन बेर्जेटो नाम का न्यूयॉर्क का अवार्ड विनिंग शेफ नजर आता है और उसका पेट नेम कार्नी होता है। और कार्नी एक ब्रिज पर आगे बढ़कर एक केज को खोलता है और उसके सामने पिंजरे में से एक भालू बाहर आता है और वो कार्मी पर हमला करता है और इसी के साथ कार्मी उठ जाता है, जिसमें सुबह के 6 बजे होते हैं। और कार्मी के शिकागो के रेस्टोरेंट में दरवाजे पर नॉक होता है और तब कार्मी बाहर आता है, जिसमें एक आदमी उसे बीफ देने आया होता है जो कि काफी कम क्वांटिटी में होता है। और इसी वजह से कार्मी इस बारे में दूसरे लोगों से बात करता है और उसके रेस्टोरेंट का काफी कर्जा बाकी होता है और इसी वजह से वो परेशान होता है और उसे रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसमें वो रेस्टोरेंट के गेमिंग मशीन से पैसे निकालता है। और फिर कार्मी आए हुए बीफ को काटकर तैयार करने लगता है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से मिलकर उसे थोड़े पैसे देता है और उसे बाकी पैसे बाद में देगा ये बताता है, जिसमें कार्मी उससे उधार बीफ लेता है और अपने रेस्टोरेंट में आकर उसे भी तैयार करता है। और फिर वो गर्म करने उसे रख देता है, जिसमें वहां पर सिडनी नाम की एक नई लड़की आती है, जिसमें कार्मी ने उसका सीवी देखा था। और सिडनी बताती है कि मेरे पिता की ये फेवरेट रेस्टोरेंट थी और इसी वजह से मैं भी यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। और तब कार्मी उसे कहता है कि तुम आज से ही शुरू कर सकती हो, जिसमें सिडनी खुश होती है। और फिर कार्मी अपनी टीम से बात करता है, जिसमें मार्कस और टीना नाम के दो और शेफ होते हैं। और वो सभी लोग रात को रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के लिए खाना तैयार करने में लग जाते हैं, जिसमें कार्मी उन्हें सभी चीजें थोड़ी सी बदलाव के साथ समझाता है। और वहाँ वो सिडनी के बारे में भी बताता है और वो कहता है कि आज वो मेरे साथ मेरे स्पेशल सैंडविच बनाने में मदद करेगी, जिसमें सिडनी वहाँ पर सामान देखती है। और वहीं पर कार्मी का भाई का बेस्ट फ्रेंड रिची आता है और वो वहाँ पर सभी चीजें देखता है, जिसमें कार्मी की चीजें बदलने से वो खुश नहीं होता। और वहाँ पर उसे सिडनी भी मिलती है और तब कार्मी को रिची कहता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और रेस्टोरेंट की हालत अभी भी ठीक नहीं है और तुम मुझे बिना पूछे यहाँ पर किसी को हायर नहीं करोगे, साथ ही मैं अभी भी कर्जे में हूँ, जिसमें ये रेस्टोरेंट सिर्फ मैं तुम्हारे भाई के चलते तुम्हें काम करने दे रहा हूँ। और तब कार्मी हाँ कहता है। असल में कार्मी उसके पहले न्यूयॉर्क में शेफ था और कार्मी के भाई माइकल ने 4 महीनों पहले सुसाइड किया था, जिसमें उसके रेस्टोरेंट में बीफ की सेल्स की हालत काफी खराब होती है और इसी वजह से कार्मी अब इस रेस्टोरेंट को संभालने आया होता है। और फिर वो वहां से निकलता है और अपने चाकू को मांगता है, जो कि उसे नहीं मिलता। और बाकी शेफ्स को भी उस चाकू के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और तब कार्मी दूसरे नाइफ से ऑप्शन ना होने की वजह से काम करता है और वहां पर वो अपनी सैंडविच की तैयारी करने में लग जाता है, जिसमें सभी लोगों को उनके काम के बारे में वो समझाता है, जिसमें वो पहले से काफी बदलाव कर चुका होता है। और वहाँ रिची को ये चीज खास पसंद नहीं होती और वो अपने पुराने मेनू से ही काफी सारी आइटम रखवाता है। और फिर वो बीफ देखता है और तब कार्मी बताता है कि उसके पास पैसों की कमी है और इसी वजह से वो थोड़े से बदलाव कर रहा है। और तब रिची बताता है कि पिछले 25 सालों में यहाँ की कोई भी चीज नहीं बदली है, जिसमें तुम आकर ऐसे नहीं कर सकते। और तब कार्मी कहता है कि बदलाव जरूरी है। और तब रिची वहां पर बाकी सभी लोगों को पहले वाले मेनू पर ज्यादा ध्यान देने कहकर चला जाता है। और बाहर कार्मी एक आदमी के पास आकर उनके गेमिंग मशीन्स को ठीक करवाता है, जिसमें वो आदमी कहता है कि कार्मी के हाथ से खून निकल रहा है। और तब कार्मी कहता है कि ये चीज मेरे चाकू के ना मिलने की वजह से हुई है। और फिर वो अंदर आता है, जिसमें वहां पर बैंडेज लगाकर आगे बढ़कर इस बारे में वो सोचता है। और वहीं पर कार्मी को उसकी बहन शुगर का मैसेज आता है। और फिर कार्मी बाहर आता है, जिसमें वहां पर सभी लोग रिची से बात कर रहे होते हैं। और इसी बीच कार्मी नीचे अपने चाकू को पड़ा हुआ देखता है और फिर वो उसे उठा लेता है। और वहां पर उसे जीसस की मूर्ति देखकर अपने भाई की याद आती है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ देर बाद कार्मी अपने बीफ को तैयार करके रखता है और वहां से बाहर आकर वो अपनी बहन शुगर से मिलता है, जिसमें वो दोनों भाई बहन काफी वक्त के बाद मिले होते हैं। और शुगर बताती है कि तुम्हें यहाँ पर देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि माइकल भी यहीं पर काम करता था और क्या तुमने माँ से बात की। और तब कार्मी मना करता है, जिसमें शुगर कहती है कि तुम्हें माँ से बात करनी होगी और हमें शायद इस जगह को बंद करके बेच देना चाहिए। और तब कार्मी बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ बदलाव करके इस जगह को फिर से फेमस बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। और तब शुगर कहती है कि तुम्हें घर आना चाहिए, जिसमें कार्मी बोलता है कि फिलहाल मुझे थोड़ा काम है। और फिर वो अंदर चला जाता है और वहाँ कार्मी अपने सभी शेफ को अपने पास बुलाता है, जिसमें वो ब्रेड देखता है और अपने ब्रेड बनाने वाले शेफ को उसमें थोड़े से बदलाव करके उसे थोड़े कड़क बनाने कहता है।
और फिर कार्मी अपने बीफ सैंडविच को तैयार करके सबको खिलाता है, जो कि सब खाकर काफी खुश होते हैं और सिडनी को भी वो काफी पसंद आता है। और फिर सभी शेफ बाहर आते हैं, जिसमें बाहर सभी लोग फैंसी ड्रेस में शहर में होने वाली परेड के लिए तैयार होते हैं और तब वहां पर उन्हें इस चीज का फायदा होगा ऐसा सभी को लगता है। और वहां पर सभी लोग अंदर काम में लगे होते हैं, जिसमें सभी लोग टेबल्स को पूरी तरह से तैयार करते हैं, जिसमें उन सभी ने वक्त पर अपना काम खत्म कर लिया होता है। और वहां पर सभी लोग लंच के लिए बैठकर खाना खाते हैं, जिसमें सभी लोग खाने के लिए भगवान को शुक्रिया कहते हैं। और वहाँ कार्मी बाहर सभी लोगों के उनके रेस्टोरेंट को ढक देने से परेशान होता है और तब वो बाहर आता है और उन लोगों को रोकता है और तब सभी लोग कार्मी को मारने लगते हैं और वहाँ उनमें लड़ाई शुरू होती है। और तब रिची आकर उन सभी लोगों को रोकता है और वो कहता है कि तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो और यहाँ पर तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम में से कोई भी हमारे आदमियों को हाथ नहीं लगाएगा और शाम को हमारे यहाँ पर तुम लोगों को बीफ खरीदने आना पड़ेगा, जिसमें हम लोग एक टूर्नामेंट रखेंगे और जो भी जीतेगा उसे एक साल तक फ्री में इटालियन राइस मिलेंगे। और तब वहां पर सभी लोग खुश होते हैं और वहां से रिची और कार्मी अंदर आते हैं, जिसमें कार्मी बताता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जिसमें हम लोग उन लोगों को फ्री में खाना नहीं दे सकते। और तब रिची कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं पता और मुझे कैसे भी यहाँ का बिजनेस बढ़ाना है और तुम जाकर पुराने मेनू की तरह ही स्पेगेटी बनाओ। और तब कार्मी अंदर जाकर स्पेगेटी बनाता है और बाहर रिची कार्मी का सैंडविच खाता है, जो कि उसे काफी पसंद होता है और फिर से वो इस बारे में सोचता है। और अब तक अंदर कार्मी को उसका शेफ उसका नया बनाया हुआ कड़क ब्रेड दिखाता है, जो कि कार्मी को पसंद आता है। और फिर कार्मी वक्त देखता है, जिसमें वो अपने काम में लगा होता है और वो स्पेगेटी नहीं बनाने का डिसीजन लेकर उसे फेंक देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।